इस वीडियो में 3 kV का सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले इन्वर्टर को फिट करना है, सोलर की सप्लाई डीसी वायर की वायरिंग करनी है, डीसी सोलर ब्रेकर 63 एम्पेयर का लगाना है, तमाम सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज में करने हैं, सोलर पैनल के कनेक्टर के कनेक्शन आखिर में करने हैं, ब्रेकर के साथ वायर कनेक्शन करने हैं और ब्रेकर को ऑफ रखना है। सोलर पैनल की सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलैरिटी का ख्याल रखना है। सोलर की सप्लाई वायर को हाथ नहीं लगाना, शॉक लग सकता है, इसलिए सोलर पैनल की सप्लाई कनेक्टर आखिर में जोड़ेंगे। ये इन्वर्टर एसी सप्लाई पे ऑन हो गया है। ये मैंने ऊपर प्रोटेक्शन लगाई है, 3 मिनट डिले प्रोटेक्शन है एसी की, इन्वर्टर को ये बचाएगी जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं या ज़्यादा वोल्टेज आते हैं। ये बैटरियां भी लगा दी हैं, इस सोलर इन्वर्टर को 2 अदद बैटरियां लगती हैं क्योंकि ये इसकी बैटरी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 24 हैं। ये सोलर सिस्टम रात के वक्त लगाया था तो ये अब सुबह के वक्त इसको चेक करेंगे, सोलर पे ये काम कर रहा है कि नहीं। ये अब सुबह के वक्त वीडियो बनाई थी, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब ये वापडा को ऑफ कर दिया हमने और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक सिस्टम है, वापडा को खुद कट ऑफ कर देता है। ये 6 अदद प्लेटें लगाई हैं सोलर पैनल की, ये इसकी जो आउट वोल्टेज हैं वो 43.6 हैं, इनको 6 प्लेटों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 वोल्ट बनते हैं जो हम सोलर इन्वर्टर को देंगे, 261 वोल्ट। ये सोलर इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम और नॉर्मल। नॉर्मल जो है इसने 240 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होना है और मैक्सिमम 400 वोल्ट तक इस सोलर इन्वर्टर को सोलर की सप्लाई दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।